नागरिकता संशोधन कानून बिल के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते रविवार को दिल्ली के जामिया में हुए प्रदर्शन के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया था और देखते ही देखते दिल्ली के अन्य जगहों पर भी विरोध और आगजनी शुरू हो गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम इमाम बुखारी ने आज कहा कि लोगों को विरोध करने की पूरी आज़ादी है और वो हक के साथ अपनी बात कह सकते हैं। इसके साथ ही बुखारी ने लोगों को बताया कि CAA और NRC में काफ़ी अंतर है। CAA एक कानून बन गया है और NRC केवल एक घोषणा की गई है। इमाम बुखारी ने बताया कि CAA बिल से भारत में रहने वाले मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। जो मुसलमान शुरू से भारत में रह रहे हैं और जिनके पास पूरे दस्तावेज हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वहीं इस देश से कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि CAA बिल से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आने वाले मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। वैसे आपको बताते, विपक्षी पार्टियां लगातार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को गलत और आधी अधूरी जानकारी दे रही हैं और इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से पूरे देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि PM मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और गलत मैसेज को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड ना करें। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।